अभी का जैसा आप पूछा आपदा वाला मामला होने के लिए तो खैर एक कार्यक्रम था तो होना ही था, पार्टी का कार्यक्रम है इसलिए, और क्योंकि अभी चुनाव है नज़दीक तो ज़्यादा ही जोश में इस बार की होली के लिए। आपदा वाले मामले में वास्तव में वैसे बारिश का सब स्वागत करते हैं पर बेमौसम बारिश मार करती है और ये इस बार तो फसलें सारी खेतों में पड़ी है। किसान पहले ही राजस्थान सरकार की जो घोषणा की मुआवजा माफ कर देंगे सारा ऋण, उससे परेशान है और उसमें कहते हैं ना कि दुबले के दो आषाढ़, वो वाली स्थिति किसानों की हो गई है। कर्जा माफ हुआ नहीं, फिर ये नई आपदा और आ गई और फिर भी ये तो ठीक रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो किसानों के लिए फसलों की क्षति का बीमा राशि है वो परसेंटेज बढ़ा दिया है, पहले बहुत कम था, इसलिए इनको जिन जिनका बीमा है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परंतु जिनका बीमा नहीं है उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत की बात है। ये बात घूम फिर के केवल किसानों तक सीमित ही रहेगी। आज फसलें खराब होती है यानी बाजार में आवक कम होगी, बाजार में आवक कम होगी यानी मूल्य बढ़ेंगे, आप और मैं सारे लोग इनसे प्रभावित होंगे, चीज़ों के दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना यही करें कि वो दे दाता परंतु जितना चाहिए उतना ही दे, दूसरी चीज़ें ज़्यादा नहीं दे। धन्यवाद, जय हिंद।